नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका। स्वागत है आपका हमारी बेहद खास पेशकश में। केदारनाथ की महिमा के बारे में आज हम इस खास शो में बात करेंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल से खुलने वाले हैं, लेकिन आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस शो में मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य भावना शर्मा जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। तो इस शो में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बात करेंगे, इससे जुड़ी कथाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चर्चा को। तो कुछ बताइए ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में। बिल्कुल, जैसे कि मलिका बता रहे हैं आज के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की जो कपाट है वो आज के दिन से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 29 अप्रैल से खुलने वाले हैं। केदारनाथ धाम बहुत ही अपार महिमा है केदारनाथ धाम की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और 4 धामों में से एक धाम है। भगवान शिव का वास यहाँ पर है। अगर देखा जाए तो इनके कपाट जो हैं 6 महीने बंद रहते हैं और अक्षय तृतीया के बाद तकरीबन अप्रैल और मई के महीने में इनके कपाट खुल जाते हैं, और उसके बाद जब दिवाली का समय आता है कार्तिक के महीने के पहले हफ्ते में इनके कपाट बंद हो जाते हैं। तो भगवान शिव की अपार महिमा है। साथ ही में जैसे हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से जो केदारनाथ हैं इनकी महिमा भी अपार है। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ तपस्या की थी और उसके बाद शंकराचार्य ने यही समाधि भी ले ली थी। हिंदू धर्म की अगर मान्यताओं की हम बात करें तो केदारनाथ जो धाम है वहाँ ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बहुत बड़े बड़े योगी, बहुत बड़े बड़े तपस्वी आपको यहाँ मिलेंगे। तो एक तरह से ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और ये जो एनर्जीज हैं ये इतनी पॉजिटिव हैं कि आपको वहाँ जाकर जो शिव ध्वनि है उसे आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर पशुपतिनाथ का पिछला हिस्सा विराजित है। एक हिस्सा आप जानते हैं नेपाल में है और एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर विराजित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग नहीं बल्कि बैल के पिछले हिस्से की पूजा की जाती है। और देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो केदारनाथ धाम है ये भगवान शिव की, यहाँ पे भगवान शिव का वास यहाँ पर है। भगवान शिव और माँ पार्वती का वास है। इसी के साथ साथ इसके पीछे महाभारत काल से जुड़ी हुई कथाएँ भी हैं और कई सारी कथाएँ मिलती हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। कहा जाता है कि जब महाभारत के युद्ध जीतने पर परिवार के लोगों की हत्या से मुक्ति के लिए पांडवों ने शिव की आराधना की, लेकिन भगवान भोलेनाथ पांडवों को आशीर्वाद देना नहीं चाहते थे, उनको देने के लिए तैयार नहीं थे। तो पांडव यहाँ पहुँचे, भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव भी लग्न के पक्के थे और भीम ने इनके पैर पकड़ने चाहे, तब भगवान बैल रूप में शिव अंतर ध्यान हो गए। तभी से नेपाल के पशुपति में बैल के सिर और केदारनाथ में पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है। ये तो बात हुई महाभारत काल की, और महाभारत काल की कथा के अलावा महादेव के केदारनाथ के में बसने की एक और कथा भी है। आदि काल में भगवान शिव बद्रीनाथ में निवास करते थे। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ये जो 4 धाम हैं इनकी यात्रा जो शुरू होती है वो केदारनाथ से शुरू होती है। अगर आप केदारनाथ से यात्रा शुरू करके 4 धामों की यात्रा करते हैं तभी आपकी यात्रा का पुण्य फल आपको मिलता है, नहीं तो आपकी यात्रा निष्फल रहती है। लेकिन भगवान विष्णु को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद थी, यानी कि जो बद्रीनाथ थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव जो थे वो केदारनाथ में आ गए और भगवान विष्णु जो थे उन्होंने उनका वास बद्रीनाथ में हो गया। इसके अलावा भगवान शिव ने अपने महीपुरुष अवतार में 5 अलग अलग स्थानों पर स्थापित किए थे, जिन्हें मुख्य केदारनाथ पीठ के अतिरिक्त 4 और बाकी जो पीठों हैं उनके सहित पंच केदार कहा जाता है। जो व्यक्ति केदार के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है, और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए बतलाया गया है। इसके अलावा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इन्हें माना जाता है और 11वां ज्योतिर्लिंग इन्हें कहा जाता है। इनकी पूजा का भी विशेष महत्व है। इनकी पूजा जिस तरह से की जाती है उसका विधि विधान बहुत ज़्यादा है। सुबह प्रातःकाल को शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराया जाता है, उसके बाद उनको घी का लेप लगाया जाता है, उसके बाद धूप दीप जला करके इनकी आरती उतारी जाती है। इस समय पर जो यात्री होते हैं उनका मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है।
उसके बाद लेकिन संध्या काल के समय जो होता है वो संध्या काल के समय भगवान का आशीर्वाद, जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तब जो यात्री होते हैं वो भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं, लेकिन दूर से उन्हें विविध प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। तो ये एक तरह से पूजा की विधि है। साथ ही में जैसे मैंने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, तो भगवान शिव का यहाँ पे रूप जो देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही आकर्षक है, साथ ही में जैसे मैंने कहा ऊर्जावान है बहुत ज़्यादा। तो भावना जी ने यहाँ पर केदारनाथ की महिमा के बारे में बताया, साथ ही इससे जुड़ी कथाएं भी आपने हमें बताई, और आपने ये भी हमें एक तरह से समझाया कि किस तरह से इस मंदिर में जाकर सिर्फ दर्शन मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस मंदिर की जाहिर सी बात है वास्तुशिल्प भी बहुत खूबसूरत होगा, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, किसी भी भवन के निर्माण में वास्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मंदिर वास्तुशिल्प भैरवनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊँचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया या किस, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि इसकी कोई हिस्ट्री ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने ही की थी, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी समाधि भी यहीं पर ही ली थी। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, और जिनकी कुंडली में भी खासतौर पर कालसर्प योग है, जिनको कालसर्प योग बहुत ज़्यादा पीड़ित करता है, उनके लिए माना जाता है कि अगर वो केदारनाथ से शुरू करके 4 धामों की यात्रा कर लेते हैं तो कालसर्प दोष उनकी कुंडली में उतना ज़्यादा उनको परेशान नहीं करता, उतना नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी कुंडली में नहीं पड़ता है। सुबह शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से, जैसे मैंने कहा, स्नान कराया जाता है, उनका उनकी आरती उतारी जाती है, तो इनकी पूजा का कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा विधि विधान है, बहुत विधिवत तरीके से इनकी पूजा करी जाती है, क्योंकि शिव शंकर जो हैं वैसे तो बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इनकी पूजा का जो तरीका है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो जैसे कि भावना जी आपने खुद ही बताया कि जब केदारनाथ की या शिव जी की पूजा करते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी हैं कि कोई गलती ना हो, कोई भूल ना हो जाए हमसे, तो उसके बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल, देखो मल्लिका, कोई भी पूजा हम करते हैं सबसे पहले, और भगवान शिव ऐसे हैं, भोले शंकर इन्हें कहा जाता है, लेकिन इनका रौद्र रूप भी देखने को मिलता है। वैसे तो केदारनाथ जो भगवान है यहाँ पर, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पशुपतिनाथ जी का हिस्सा भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव का वास और माँ पार्वती का वास है। यहाँ पर जब आप जैसे विधि विधान से पूजा करते हैं, कालसर्प दोष का भी अगर आप निवारण करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण होना ज़रूरी है। काफ़ी सारी सावधानियाँ ऐसी होती हैं, आपकी पूजा अगर सही तरीके से विधिवत तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसका गलत असर भी आपके ऊपर हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे केदारनाथ की पूजा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि कालसर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है उसका निवारण आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका शुद्धिकरण, क्योंकि भगवान का जो रौद्र रूप है उसका एक तरह से उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। जी हाँ, तो 4 धाम का भी आपने जिक्र किया था कि 4 धाम की यात्रा अगर किसी को करनी हो तो उससे जुड़ी क्या ज़रूरी जानकारी आप बता सकती हैं कि सबसे पहले कहाँ दर्शन के लिए जाएं, क्या तैयारियाँ उनको करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब भी आप 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बाद गंगोत्री और यमुनोत्री, इस तरह से इस क्रम में आप यात्रा शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले केदारनाथ के ही दर्शन किए जाते हैं, उसी के बाद भगवान विष्णु के दर्शन जो होते हैं वो फलदायक माने जाते हैं। अगर आप सबसे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर बद्रीनाथ से यात्रा शुरू कर देते हैं तो वो आपकी यात्रा निष्फल हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप सही क्रम को सबसे पहले केदारनाथ भगवान के ही आप दर्शन करें। जी, और क्या खास तैयारियां कर सकते हैं और क्या सावधानियां आपको लगता है कि बरतनी चाहिए जब आप 4 धाम यात्रा के लिए निकलते हैं? देखिए, 4 धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान का मन जो है, मन अपने आप में संयमित होना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की, हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं, और जो पहले हम कथाओं में भी ये बात सुनते हैं कि जितने भी पहले वो रावण ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे आशीर्वाद पाया था, तो जितने भी लोग हुए हैं उन सब ने भगवान शिव की तपस्या करके, भगवान शिव ने उन्हें, भोले शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। अगर आप
केदारनाथ की यात्रा के लिए, चार धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप अपने मन को संयमित कर लें। अगर आपके दिमाग में किसी तरह की कोई नेगेटिव थॉट्स या किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, सबसे पहले उसका शुद्धिकरण करना ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो केदारनाथ मंदिर के जो कपाट हैं वो खुलने वाले हैं 29 अप्रैल से, और इसीलिए हम एक खास पेशकश आपके लिए लेकर आए हैं ताकि इस मंदिर से जुड़ी खास बातें हम आपको बता सकें। तो कुछ ऐसी बातें अब दर्शकों को भादर जी अगर आप बता सकें जो शायद पहले उन्होंने कभी ना सुनी हो। बिल्कुल, देखिए केदारनाथ की महिमा अपने आप में खास है, और जैसे कि हम बात करते हैं कि केदारनाथ जी का मंदिर आम दर्शनियों के लिए खास तौर पे ये सुबह 6 बजे से खुल जाता है और दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक विशेष पूजा की जाती है, और उसके बाद विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद दोबारा शाम को 5 बजे से जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए फिर से मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत तरीके से श्रृंगार किया जाता है, और उसके बाद 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। इस आरती के दर्शन कर लेने से ही मात्र सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। रात को 8:30 बजे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बंद कर दिया जाता है। इसके बाद सर्दियों में केदार घाटी बर्फ़ से ढक जाती है, यानी कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होने के कारण ये मंदिर बंद हो जाया करता है, लेकिन केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अक्षय तृतीया के बाद तकरीबन अप्रैल मई के महीने में मंदिर खुलता है, और दिवाली से पहले जो कार्तिक मास आता है उसके पहले हफ्ते में मंदिर बंद हो जाता है। और देखिए जो भगवान शिव का मैं ये कहूँगी कि भगवान शिव की पूजा जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार चार धाम की यात्रा और ख़ासतौर पर केदारनाथ भगवान के दर्शन ज़रूर कर लेने चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान केदारनाथ का मंदिर ही माना जाता है। केदारनाथ की 5 मुखी प्रतिमा को ऊखी मठ में 6 महीने बाद, यानी कि सर्दियों के समय में वहाँ पर ले आया जाता है ऊखी मठ में। इसी प्रतिमा की पूजा यहाँ भी रावल जी करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि पूरे 12 महीने यानी कि पूरे साल भर ही इनकी पूजा चलती है, लेकिन जो 6 महीने के बाद का समय होता है यानी कि जो सर्दियों का समय होता है जिस समय पर केदारनाथ में बर्फ़बारी होती है उस समय पर इनकी पूजा ऊखी मठ में करी जाती है। जी हाँ, तो केदारनाथ की महिमा अपार है, फलदायी है, और ऐसा भी कहा जाता है कि केदारनाथ की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके बारे में भी कुछ बताएं। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अपनी पूरी ज़िंदगी में जिनके जो भगवान शिव के भक्त हैं उन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए ही ज़रूरी है कि आप एक बार चार धाम की यात्रा ज़रूर करें और भगवान शिव के केदारनाथ में दर्शन ज़रूर करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति आपको मिलती है। देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग अलग महत्व है 12 ज्योतिर्लिंगों का, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जावान मैं कह रही हूँ कि केदारनाथ भगवान ही है, और जिनकी कुंडली में कालसर्प योग है या जिनकी कुंडली में खास तौर पे शनि से जो लोग पीड़ित हैं, शनि के एक तरह से ढैया या 7.5 जिनकी कुंडली में चलती है, उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि वो एक बार केदारनाथ के दर्शन उन्हें ज़रूर करने चाहिए। तो केदारनाथ की महिमा के बारे में आपको बताया, केदारनाथ से जुड़ी कथाओं के बारे में भावना जी ने यहाँ आपको बताया, और सभी खास और ज़रूरी बातें केदारनाथ मंदिर से जुड़ी आपको भावना जी ने बताई। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।